Welcome or welcome back to our channel. So we hope you all are doing absolutely good and are in great mental health. So in today's video, we are going to do summer skincare hacks. So most of our guy friends says that ki tum log ladkon ke liye kuch video banate nahi ho. So here we are going to share skincare tips for girls as well as boys. So guys, guess what? Today's video will be in Hindi, like we usually do English, that is half Hindi and half English. But आज हम लोग सिर्फ हिंदी में बात करने वाले हैं. Okay, so पहले हम start करते हैं. ये बहुत basic चीज़ है, पर फिर भी हम लोग इस बात पे गौर करना चाहेंगे कि एक नैपकिन अपना अलग से रखें, क्योंकि फेस के लिए कॉमन टॉवल यूज़ मत कीजिए. हाथ भी उसी से साफ कर रहे हो और आप ही नहीं, आपके फैमिली के भी लोग उसमें हाथ साफ कर रहे हो. इट वुड बी वेरी अनहाइजीनिक, बट ट्राई करना कि एटलीस्ट 2-3 दिन में आप वो टॉवल भी धोते रहिए, क्योंकि उस पर भी वो पड़े पड़े धूल लग जाता है और उसके वजह से आपके एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं. आई हैव सीन दिस यू नो लाइक इयर्स अगो, मैंने माई हैप्पीनेस का ये देखा था. शी हैड शेयर दिस टिप्स एंड मैंने उसमें देखा था, एंड उसके बाद से मैंने वो चालू किया एंड आई हैव वेरी एक्ने प्रोन स्किन, तो उससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा. बट गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ डू इट. सो अभी ये नेक्स्ट टिप है फॉर मोस्टली एक्ने प्रोन एंड ऑल्सो जिनका कॉम्बिनेशन स्किन है. लाइक कॉम्बिनेशन स्किन इज जिनका सिर्फ टी जोन इज ऑयली एंड बाकी ये सब थोड़ा ड्राई एंड फ्लेकी हो जाता है. आप लाइक नॉर्मली वी यूज क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, बट यू कैन स्विच टूअर्ड जेल. अभी बाहर खरीदने तो नहीं जा सकते, सो इफ़ यू हैव एलोवेरा जेल, इफ़ आपके घर के बाहर एलोवेरा होगा या फिर आपके घर पे कोई ना कोई तो मम्मी या फिर बहन एलोवेरा जेल होता ही है मोस्टली सबके घर, यू कैन स्विच टू दैट. ज़्यादा ऑयली सीबम नहीं क्रिएट करता है एंड एक्ने आना भी थोड़ा कम हो जाता है उससे थोड़े एक्ने के जो स्पॉट्स होते हैं वो भी हील होने में हेल्प होता है. और एलोवेरा बहुत अफोर्डेबल भी है. आप कई मेडिकल स्टोर पे जाओगे, आपको वहाँ पे भी एलोवेरा जेल इजीली मिल जाएगा. ओके, सो मूविंग ऑन, थर्ड हैक की तरफ हम जाते हैं. हैक या फिर टिप, आप जो भी कहना चाहो. सो आपने आइस क्यूब्स के बारे में सुना ही होगा. आइस क्यूब्स लगाना आपके फेस में समर के लिए, आपको फील ही अच्छा नहीं देता है बट आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है. पर इसके साथ हम लोग ने एक चीज़ ट्राई किया है, दैट इज़ टमाटो जूस का प्यूरी बना के उसको आइस ट्रे में पोर करके उसको फ्रीज होने के लिए थोड़ी देर रखने का. फिर उसके बाद यू हैव टू टेक दैट और अपने फेस पे उसको जेंटली स्क्रब नहीं, एज इन सिर्फ लगाते रहिए. और वो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि जैसे आइस वो मेल्ट होने लगेगा, उसके साथ उसके जो टमाटो का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी साथ में आने लगेंगे, तो फिर वो एक टाइप का स्क्रब भी बन जाता है. उससे आपका टैन जो है स्किन का वो निकल जाता है. ऑल्सो इट हेल्प्स इन रिमूविंग द ब्लेमिशेस मार्क्स, एक्ने मार्क्स और जो भी पिगमेंटेशन आपके स्किन में हो. टमाटो इज़ गुड फॉर पिगमेंटेशन ऑल्सो एंड इट ऑल्सो मेक्स योर स्किन रेडियंट, लाइक एक ग्लो छोड़ता है आपके स्किन के ऊपर. सो आई कुड से कि ये हैक एक ऑयली ड्राई स्किन के लिए भी है, क्योंकि टमाटो ऑल्सो हेल्प्स इन मॉइस्चराइजिंग. और इफ़ आपको बहुत एक्ने है या फिर पिंपल्स हो रहे हैं, सो यू कुड यूज़ दिस हैक. इफ़ आपके घर पे कोई ग्रीन टी पीता रहेगा या फिर आप वो दुकान से ले सकते हो, तो जैसे आप ग्रीन टी बनाते हैं उसी प्रोसीजर्स को ग्रीन टी बनाना है एंड फिर वो आपको फ्रीज होने आइस क्यूब आइस ट्रे में रख के फ्रीज होने को रख देना है एंड फिर वो आपको मसाज करना है आपके स्किन के ऊपर एंड लाइक 2-3 डेज में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. आपके पिंपल्स या फिर आपको जो ब्लेमिशेस हो रहे हैं, ब्लेमिशेस यानी दाग, तो वो भी आपके धीरे धीरे निकल जाएंगे. एंड गाइस, एक रात में या फिर एक रात में कुछ नहीं होता है, सो ये सब में मत पड़ो. एवरीथिंग इज़ अ प्रोसेस, सो एवरीथिंग टेक्स टाइम. सो या धीरज रखो, पेशेंस रखो, सब चीज़ें होंगी. ओके, सो मूविंग ऑन, ऑयली स्किन वालों को पता होगा हम लोग का फेस ऑयली बहुत हो जाता है समर्स में, और उस टाइम पे मुल्तानी मिट्टी इज़ आर बेस्ट फ्रेंड. एज वी ऑल नो, मुल्तानी मिट्टी इज़ अ क्ले. सो क्ले आपके स्किन के लिए बहुत ठंडा इफेक्ट छोड़ता है आपके स्किन पे. इवन आपके जो पोर्स, लार्ज पोर्स होंगे या फिर इन्फ्लेमेशन,
सनबर्न सबके लिए मुल्तानी मिट्टी इज़ अ वेरी ग्रेट ऑप्शन और इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. आई थिंक छोटा सा पैकेट 30-40 रुपीज के अंदर ही आ जाता है और ये भी आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा. या एंड कॉन्ट्रेरी टू दैट आपके पास और एक ऑप्शन है, दैट इज़ चंदन. लाइक चंदन इज़ तो लाइक अबा ऑल, बट आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट. आई हैव नो आइडिया सच एज इन वो आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाता है. मैंने तो बहुत टाइम पहले से स्टोर करके रखा है सो आई हैव इट. तो चंदन एक सब्सटीट्यूट हो सकता है मुल्तानी मिट्टी को, कि इफ़ आप मुल्तानी मिट्टी लगा के पक चुके हो, बट इफ़ आपके पास हो चंदन तो उसको दूध में मिला के आप वो उसका लेप लगा सकते हो एंड वो भी सेम इफेक्टिव देगा. सो द नेक्स्ट हैक इज़ लाइक ये सुन के थोड़ा सा फुलिश लग सकता है कोई लोगों को, बट सनस्क्रीन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है. यू गाइज वुड से कि अभी तो कहीं जा नहीं रहे, घर पे बैठे हैं, बट स्टिल आपके घर पे भी सन रेज आते हैं एंड इट मेक्स योर स्किन, इट डैमेजेज योर स्किन टू नेक्स्ट लेवल. यूवी रेज बहुत डैमेज करता है आपके स्किन को एंड एजिंग, आपका स्किन सैगी होने लगता है बहुत अर्ली एज में. सो आई थिंक एवरी वन शुड इंक्लूड सनस्क्रीन. तो आगे बढ़ते हुए टोनर की तरफ चलते हैं. सो मैं ये बहुत सालों से करते आ रही हूँ. मैंने अपने फ्रिज में एक स्प्रे बॉटल आता है कंटेनर, आई गेस 15-20 रुपीज़ में वो इजीली मिल जाता है कोई भी जनरल स्टोर पे. तो उसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड करके, मुझे जब भी ऐसे हीट फील होता है, हम लोग जैसे फेस वॉश बार बार तो स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते, 3-4 टाइम्स मैक्स होता है, उससे ज़्यादा इफ़ अगर ज़्यादा भी कोई प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो वो भी डैमेज देता है आपके फेस पे. सो मैं जब भी फेस मुझे धोने का मन नहीं होगा तो मैं वो जाके फ्रिज से उठा लेती हूँ और स्प्रे करती हूँ. और रोज़ वाटर भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो फटाक से वो एक ग्लोइंग इफेक्ट दे देता है आपके स्किन पे. और उसका एक अल्टरनेटिव भी है. या सो ये अल्टरनेटिव मेरे को समिदा मेरे फ्रेंड ने बताया था. सो ये मैंने अच्छा खासा 6-7 मंथ्स यूज़ किया है. जैसे उसने रोज़ वाटर बनाया, दिस इज़ अ राइस वाटर. सो आपको क्या करना है कि दो से तीन चम्मच ही आपको राइस लेना है, फिर उसमें आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है एंड आधा कप होने तक यू हैव टू बॉयल इट. सो जैसे उसने कहा कि एक स्प्रे बॉटल में आपको वो पानी रख एंड वो आपको फ्रिज में रखना है एंड जैसे वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा यू कुड जस्ट स्प्रे इट. नाउ राइस वाटर इज़ गुड फॉर योर स्किन बिकॉज क्लॉक पोर को क्लीन करने को हेल्प करता है. कोरियन हैक है टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैंने कोरियन स्किन केयर में देखा था तो वो लोग मोस्टली राइस का यूज़ करते हैं अपने स्किन केयर और हेयर केयर के लिए. ओके सो समर्स में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई नो दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक, सब वीडियोज़ में जाके आप यही सुनते हो, पर या इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड गाइज. एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर दिन में पियो. हम लोग ने ये एक हैक ट्राई किया है, हम लोग ये करते आ रहे हैं. हाँ. कि इफ कोई आप काम कर रहे हो, आप लैपटॉप पे बैठे हो और बहुत टाइम तक आप ऐसे ही बैठे हो, तो एक ग्लास बना लो या फिर एक बॉटल आपका ले लो जो सिर्फ आपका हो. उसमें आप ऐड कर सकते हो लेमन का थोड़ा बहुत ड्रॉप्स ऐड कर सकते हो, पुदीना ऐड कर सकते हो फॉर द फ्लेवर. एंड वो पानी पीने से भी लाइक बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है अंदर से. लाइक इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड एंड हमको बहुत काम भी है, लाइक एज बहुत लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम एंड और कर रहे हैं, ये आपको लाइक फ्रेश रखने में, तंदुरुस्त रखने में आपको बहुत हेल्प करेगा. सो डू ट्राई इट. ओके सो ये लास्ट टिप है आज का. जैसे हम सब आजकल घर पे ही बैठे हैं या फिर कुछ मीठा या खट्टा खाने का मन हो सो आप फ्रूट्स को उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. वो चिप्स एंड वो खाने से अच्छा यू कुड जस्ट इंक्लूड फ्रूट्स इन योर डाइट. स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है. हम लोग ने फ्रूट्स इसलिए इंक्लूड किया ये समर टिप्स में क्योंकि फ्रूट्स एक ना फ्रूट्स आपको मोटा बनाएगा ना फ्रूट्स से आपको कोई लाइक कोई फ्रूट्स गर्म भी होते हैं, बट ये मैंगो का सीज़न है. ऑफकोर्स मैंगो तो खाओ ही, बट टू बैलेंस इट आउट आप उसके साथ ही आप वाटरमेलन खा सकते हो या फिर यू कैन जस्ट मंच ऑन ऑरेंजेस. सो ये बहुत अच्छा टाइम है हम लोग अपने स्किन या फिर अपने बॉडी को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं. सो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ये टाइम में अपन कर सकते हैं. सो व्हाई नॉट डू इट. सो गाइज दिस वॉज ऑल इट फॉर दिस वीडियो. इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ डू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल यूनिकॉर्न डायरीज एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम यू अपलोड अ न्यू
न्यू वीडियो एंड ऑल्सो गाइज इंस्टाग्राम का लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सो प्लीज डू चेक आउट एंड डू फॉलो अस देयर. एंड अंटिल देन स्टे हम्बल, वर्क हार्ड एंड बी काइंड. बाय गाइज. Got some